गाइस वेलकम बैक टू अदर गेमप्ले वीडियो ऑफ यूएनओ एसएमपी। तो लास्ट में आपने एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने अपना पूरा ये जो आयरन आर्मर है ये तैयार कर लिया था, और इस एपिसोड में मेरा ये एम है कि हम लोग एक्सपी फार्म बना लें। तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को, लेट्स गो। और नया दिन हो चुका है, मैं सो के उठ चुका हूँ। और ये गाइस देखो शेडर्स, कमेंट से बताना कैसे लग रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, हम लोग कोबलस्टोन चाहिए होगा, वुड चाहिए होगा, तो जो वुड है वो हम लोग इन घरों से तोड़ लेंगे, क्योंकि ग्रास लैंड में वुड मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं इधर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको, यहाँ से मैं सारे कोबलस्टोन इकट्ठा करूंगा, क्योंकि यार इतने ज्यादा जब कोबलस्टोन है ही हम लोग के पास तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए लेट्स गो। तो हम लोग को ऊपर भी यही होगा जिससे हम लोग को सारे आयरन से बनेगा, तो आयरन भी यहीं पर मिल जाएगा हम लोग को। इसलिए और भाई आयरन का नाम लिया आयरन आदिल, ये देखो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर माइनिंग करते हैं क्योंकि आयरन भी मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से स्टैक्स ऑफ स्टैक्स इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा कोबलस्टोन चाहिए आज। तो लेट्स गो, मैं इकट्ठा करके आपको मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग के पिकैक्स है, इसकी एचपी देख सकते हैं आप लोग कितनी कम हो गई है। और हम लोग के पास अभी 1, 2, 3, 4 स्टैक हो चुके हैं। तो ऐसे ही अभी हम लोग और 10 स्टैक या 5-8 स्टैक चाहिए होगा। तो मैं जल्दी से तोड़ता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस इतनी खोज करने के बाद हम लोग को एक एमरल्ड मिल चुका है यहाँ पर, लेकिन मैंने अपनी पूरी आयरन की पिकैक्स तोड़ दी है। तो मुझे यहाँ पर पहले ब्लैंक्स बनाने पड़ेंगे, फिर आयरन की एक पिकैक्स बनानी पड़ेगी। गाइस हम लोग के पास 6 स्टैक हो चुका है, और ये मिला हम लोग को एक एमरल्ड। तो और स्टैक जल्दी से इकट्ठा करते हैं, 6 हो चुका है, तो 6 स्टैक और इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो और देख लेंगे। तो गाइस हम लोग की माइनिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, और ये देखो हम लोग के पास 12.5 स्टैक ऑफ आ चुका है कोबलस्टोन। तो बच गया। चलो बढ़िया हुआ, बढ़िया करा तुमने। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह अपना एक्सपी फार्म बना लेता हूँ, क्योंकि इस जगह अच्छा भी रहेगा, अपने घर के पास भी रहेगा तो सही रहेगा। और एक्सपी फार्म बनाने के लिए हम लोग पास लगभग सारा सामान इकट्ठा हो चुका है। ट्रैप डोर बनाने पड़ेंगे बाद में, वो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और जो चेस्ट लगानी पड़ेंगी वो मैं यहाँ पर फिलहाल तोड़ लेता हूँ, और हम लोग सीधा चलते हैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए। गाइस यहाँ पर ऐसे 2x2 का गड्ढा कर देना है, और यहाँ पर ऐसे चेस्ट छेड़ देनी है, और फिर क्राउच होके यहाँ पर लगा देंगे हम लोग हॉपर। तो मेरे पास इससे ज्यादा हॉपर बन नहीं पाए, क्योंकि अभी मेरे पास उतना ज्यादा आयरन था नहीं, और चेस्ट मैंने वही वाली तोड़ के लगा दी है जो एम्प्टी पड़ी थी अपने पास। और स्लैब्स लाया था मैं, स्लैब्स को भी ऐसे क्राउच करके यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे 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 चारों तरफ से लगा देंगे। और फिर गाइस ऐसे यहाँ पर एक वॉल बनानी है, और ये जो नीचे आपके दो पड़े हैं इसको हटा देना है। तो ये ऐसे इसको चारों तरफ से घेर देना है, तो वो मैं करता हूँ जल्दी से और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये आपको कुछ ऐसा लगने लगेगा, और इससे याद रखना है हम लोग को इसके एक ब्लॉक दूर बनानी है स्लैब्स के, और अब इसको छोड़कर काउंट कर हम लोग को 18 ब्लॉक ऊपर ले जाना है। तो 1, 2, 3, 4 तो मैं चारों तरफ से 18 ले जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, और देखो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, और एक बार नीचे चल के देखते हैं तो यहाँ से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग को इसके चारों ओर बाउंड्री निकालनी, तो मैं ऊपर चल के आपको बताता हूँ। तो गाइस फाइनली ये लास्ट लाइन बची है, तो 1 और फिर उसके बाद इसके बराबर ऐसे ये करना है। तो मैं ये पूरा आपको कर लेता हूँ, चारों साइड से करना है, तो मैं कर लेता हूँ, फिर आपसे जल्दी से मिलता हूँ। तो गाइस ऑल डन, ये वाली वॉल भी हम लोगों ने चारों तरफ से मतलब इसकी वॉल निकाल दी। अब हम लोग को क्या करना है कि एक एक हाइट इसकी और बढ़ा देनी, मतलब जैसे ये है तो ये ऐसे ऐसे ये, मतलब इसको चारों तरफ से एक एक हाइट इसकी और बढ़ा देनी है। तो मतलब ये इसके बाद इसको कवर करना है, तो इसकी पूरी हाइट बढ़ा देता हूँ जल्दी से मैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी एक दिक्कत हो चुकी है कि मैंने यहाँ पर ये देखो क्या हो गया,
यार मैंने यहाँ पर मतलब मैं आउटलाइनिंग उसकी कर रहा था, तो वहीं पर मैंने जहाँ पर जिस पर खड़ा था उसी का ब्लॉक तोड़ दिया। और यहाँ पर यार कहने को कम हो रहा था, टाइम बहुत लग रहा है। और ये देखो ये क्रीपर महाराज ने हम लोग का सब कुछ पानी क्या बोलते हैं उसे मिट्टी में मिला दिया। तो ये नीचे आया था और तो सोच रहा था कि यहाँ पर गाइस मेरे चर्च में देखते हैं कुछ स्टोन स्टोन पड़े हैं कि नहीं। और गाइस मुझे फूड लेना पड़ेगा, ये मेरे पास एक भी फूड नहीं है अभी। बस स्टोन में कुछ पड़ा होगा, ये देखो कॉबल स्टोन इतने पड़े हैं और ये और ये, ये तीन चीज़ पड़ी है। तो इससे थोड़ा बहुत तो अपना काम चल ही जाएगा। और जल्दी से मैं इसको पका लेता हूँ, फिर वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। दो वाला ब्लॉक ब्लॉक मैंने तोड़ दिया, मैं गिर गया था। तो गाइस ये हम लोग ने पूरा अपना ये आउटलाइन बना लिया। अब इसके अंदर ऐसे जैसे यहाँ पर लगाया है वैसे ऐसे ये पूरा यार भरना पड़ेगा। यार बहुत मेहनत का काम है, पूरा भर लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। लेट्स गो। मैंने पूरा कवर कर दिया है और अभी यहाँ पर टॉर्चेस लगाते हैं जिससे मॉब ना स्पॉन हो। यार ये देखो मैं मुझको वाला स्टोन लगाना पड़ा, कम अच्छा लग रहा है लेकिन यार क्या करें। और मुझे एट द एंड अब जाना ही पड़ेगा और स्टोन लाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टोन है नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या करना है कि जैसे ये है, इसके बाद इस पर दो हाइट लेनी है और पूरा कवर कर देना है इसको आउटलाइन पर, फिर उसके बाद उसको ढक देना है। तो मैं जल्दी से पहले कॉबल स्टोन और लेकर आता हूँ यार, फिर काम होगा अपना। लेट्स गो। तो गाइस मेरी दो पिकेक्स टूट चुकी हैं और मैंने चार स्टैक इकट्ठा कर लिया है अपना ये कॉबल स्टोन। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं ऊपर और हम लोग बनाना रिज्यूम करते हैं अपना ये बताया था दो दो ब्लॉक ऊपर की हाइट खींच देनी है। तो मैं जल्दी से पूरे इस जगह पे हाइट खींच देता हूँ दो दो ब्लॉक की, फिर मैं आपको जल्दी से मिलता हूँ। तो गाइस बस इतना सा बचा है और ये वॉल भी मैंने कंप्लीट कर दी है। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से एक बार लेने जाना पड़ेगा अपना ये कॉबल स्टोन, क्योंकि मेरे पास केवल अभी 38 बचा है कॉबल स्टोन। हाँ और एक स्टैक और बचा है। तो अब हम लोग को क्या करना है गाइस, ये जो पूरा फ्लोर बनाया था तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर जाते हैं और इधर जाते हैं और इधर पे ऐसे करके ये और इसको बंद इसको तोड़ देना है हम लोग को। और ये जो दोनों ब्लॉक हैं इसको भी तोड़ देना है। और अब हम लोग का पूरा मतलब इसको ऐसे कवर कर देना है चारों तरफ से मतलब पूरा। तो मैं इसको कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस बहुत झंझटी काम है और कुछ इस पर देखने लायक है नहीं। गाइस फिर से एक दुख की खबर कि हम लोग के जो कॉबल स्टोन है यार वो फिर से खत्म हो चुके हैं। भाई इतने कॉबल स्टोन लाए थे तब भी खत्म हो गए यार। स्टैक भाई 2 मिनट ही लगे उसको खत्म होने में। अब मुझे लग रहा है 2 स्टैक मुझे केवल लाने पड़ेंगे, क्योंकि अबाउट टू ओवर है हम लोग का फार्म। ऊपर से मैंने कवर करना चालू कर दिया तो 2 स्टैक में मेरे ख्याल से हो जाएगा। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये जो है ये आपने शुरुआत में वीडियो में देखा वो कुछ नहीं था, और ये देखो मैंने कितना खोद डाला है गाइस में। आगे से भी ख़त्म होने वाली है यार ये पूरी। और भाई दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने, मैं जल्दी से अब ये कलेक्ट कर ले मतलब इतना ख़त्म कर लेता हूँ, ये इकट्ठा कर लेता हूँ और जल्दी से फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मेरी एक और पिकेक्स टूटने वाली है और बस ये टूट जाएगी तो हम लोग चलेंगे फिर से एक बार बनाने के लिए। हाँ टूट गई है गाइस ये भी। और अब हम लोग चलते हैं सीधा कॉबल स्टोन। अबे भाई बाहर रात हो गई है, कॉबल स्टोन का काम कंप्लीट करने के लिए। और यार यहाँ पर मॉब अलग परेशान कर लेंगे हम लोग को, देखें अभी उतनी रात तो हुई नहीं है। तो हम लोग बेड मेरा यहाँ पर, अरे बेड भी उन लोग ने तोड़ दिया था। मैं जल्दी से घर में सो के आता हूँ फिर मैं आपसे सीधा मिलता हूँ ऊपर। गाइस मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ और ये इतना काम अपना फिनिश करना है बस, उसके बाद फिर हम लोग अंदर आके ट्रैप डोर लगाएंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा। इतना फिर बच गया, अब इसमें एक स्टैक तक ही लगेगा। तो यार फिर अभी नीचे जाना पड़ेगा और गाइस फिर अभी लाना पड़ेगा। तो भाई जल्दी से नीचे जाता हूँ और लेके आता हूँ। ये लगभग कंप्लीट होने वाला है, मैं कॉबल स्टोन और ले आया था, लेकिन यार अभी यहाँ पर केवल मेरे पास 9 कॉबल स्टोन बचे। और ये गाइस ये पीछे जो लगे हैं भगवान बस करे इससे हो जाए भाई, नहीं तो भाई ये इतना इरिटेटिंग है मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। 1 2 4 5 अरे यार मेरे पास अच्छा है वो पड़ा होगा स्टोन। फाइनली गाइस ये हो गया है। और अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर पहले क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं तो हम लोग को सारा ट्रैप डोर बना लेना था इसका। हाँ ये बन गया है। और अब एक बार नीचे चल के देखते हैं ट्रैप डोर लगा के
कि क्या क्या होगा। तो गाइस ऐसे आना है यहाँ पर, और ये ऐसे यहाँ पर ट्रैपडोर पूरा लगाना है हर तरफ चारों तरफ, और इसको सबको बंद कर देना है। अरे यार ऊपर जंप नहीं कर सकते यहाँ पर। ओ डर्ट निकाल लेता हूँ जल्दी से मैं इसको। तो चारों तरफ ऐसे ही हम लोग को लगाना है, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ कि आगे क्या करना है। को क्या करना है कि ऊपर चलना है, और ऐसे ऊपर जाते हैं फिर यहाँ पर हम लोग को पूरे में टॉर्चेस लगानी है। और ये मैं बताता हूँ अभी क्यों बना है, पहले टॉर्चेस सब में लगा देते हैं। तो गाइस फिर से यहाँ से दोनों बॉटल्स में अपनी पानी लेते हैं बकेट्स में, और इसको डाल देते हैं। तो इसी तरह का प्रोसीजर मैं हर तरफ से कर देता हूँ, और फिर आपको मिलता हूँ ऐसे। और एक तो गाइस ऑल डन, बस ये करना है, और इसको यहाँ से हटाते हैं, और ये ऐसे तो ये हो जाएगा हम लोग के चारों साइड से कवर। और ये मैंने एक साइड ज़्यादा बना दिया है क्या, व्हाट द हेल भाई, अब हो गया कांड। तो गाइस मैंने वो जो एरर आ रहा था इसमें वो फिक्स कर दिया है। अब गाइस देखते हैं कि कोई भी मॉब नीचे आ रहा है कि नहीं। अब मैं जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर मॉब्स आए हैं कि नहीं। और गाइस अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, यही दोनों मॉब्स आए थे। और ये विच की थोड़ी सी ज़्यादा हुई क्योंकि हील करती जाती है। ओ भाई, तो गाइस और मॉब्स आ ही रहे हैं, मतलब वर्क कर रहा है लेकिन कुछ कम वर्क कर रहा है, तो मैं उसका सोल्यूशन देखूंगा। तो कुल मिला के अपना एक्सपी फार्म बन गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत मेहनत लगी है वीडियो में।